नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम गोवा देखने के लिए जाएंगे। विनय शर्मा लिखित गोवा जैसा मैंने देखा, इस पाठ के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपने कभी यात्रा की है? कोई किला देखने के लिए गए हो या किसी स्थान पर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर गए हो, तो वहां का अनुभव आपको कैसा लगता है? यह मनोरम दृश्य आपको कैसा लगता है? यह अनुभव आपके महत्वपूर्ण है। लेखक भी गोवा देखने के लिए चले जाते हैं और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का यात्रा वर्णन लिखते हैं, तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा राज्य जिसका नाम सुनते ही याद आता है दूर तक फैला समुद्र का किनारा, उन्मुख जीवन शैली। लेकिन गोवा जाने का सबसे बेहतरीन तरीका या समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। इस मौसम में यहाँ बहुतायत में पर्यटक आते हैं जाते हैं। जून से सितंबर तक यहाँ बहुत अधिक वर्षा होने के कारण इस मौसम में यहाँ पर्यटक कम ही आते हैं। ईसाइयों की बहुतायत के कारण क्रिसमस के समय गोवा में बहुत सारे सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, जिसका आनंद लेने के लिए पर्यटक इस समय विशेष तौर पर गोवा आते हैं। गोवा की खूबसूरती केवल यहाँ के सागरी तटों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, होली स्पिरिट आदि यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चर्च भी है। इसके अतिरिक्त सेंट अगस्टिन टावर, ननरी ऑफ सेंट मोनिका चर्च भी प्रसिद्ध है। गोवा के पवित्र मंदिर जिसमें श्री कामाक्षी, सप्तकटेश्वर और शांता दुर्ग, महालसा, नारायणी परने ऐसे आदि मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध है। करीब 450 वर्ष के पुर्तगाली उपनिवेश काल में यहाँ अनेक भव्य चर्च बनाए गए थे, जिनके कारण आज गोवा को भारत का रोम भी कहा जाता है। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। आगमन के साथ ही प्रकृति गोवा को कुछ ऐसा ही अलग लेकिन अद्भुत स्वरूप प्रदान करती है। यह स्थान शांतिप्रिय पर्यटकों को और प्रकृति प्रेमियों को बहुत भाता है। यहाँ छोटे बड़े लगभग 40 समुद्री तट हैं। इनमें से कुछ समुद्र तट अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। इसी कारण गोवा को विश्व पर्यटन मानचित्र के पटल पर अपनी एक अलग पहचान है। तो चलिए आइए छात्रों, आज हम देखते हैं गोवा जैसे मैंने देखा इस पाठ के बारे में।